की पोस्टर को लगाया, उसके बाद मस्जिद को लगाया नीचे में, उसके बाद वो पहले इधर अर्जेंट वो इसका मशीन का स्क्रू है, जो स्क्रू में उसमें बाबेल है, बाबेल को अंदर में किया, ठीक है। उसके बाद में ए पिजम को पिजम को इधर पिजम है, ए 100 ए 300 है, इसको लगाया वो हेल्पर को दे दिया हूँ, असिस्टेंट को दे दिया हूँ पिजम पकड़ने के लिए। उसके बाद में पहले पोस्टर सेट हो गया, अभी मशीन को ऑन कर रहा हूँ। इधर मेनू है ना, मेनू में दबाएगा तो मशीन ऑन होगा। ये जियो मैक्स का मशीन है, स्टैंडर्ड जिप 10R प्रो वर्सन 4.32। इसको ऑन होने के बाद में अभी इसको इंस्ट्रूमेंट में लेवल करना पड़ेगा। ये टोटल टेंशन है, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस सब भी होगा, इसमें क्या क्या काम होगा, इसमें कॉलम का हाइट भी होगा, लेआउट होगा, कोऑर्डिनेट ट्रांसफर भी होगा, लेवल भी शिफ्ट होगा, और एरिया वॉल्यूम भी निकलेगा, ऑल काम इधर में ही होगा, ऑल वर्क। उसका बाद में इधर में मशीन को इंस्ट्रूमेंट को ये अंदर में बाबेल कर रहा हूँ। इधर देखना पड़ेगा बाहर निकल गया क्या, इसको थोड़ा इधर में स्टैंड में थोड़ा सा निकल गया, तो पहले मशीन से करने से पहले इसको थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, तो ये ठीक आ जाएगा, फिर सामने आ जाएगा। इधर में धीरे धीरे करना था, देखिए अभी भी 0.0 है, पहुँचे में 10-25 सेकेंड है। इसको ओके करना पड़ता है, ओके होने के बाद मेनू इसको लॉक करना पड़ेगा, मेनू में जाके ऐप, ये ऐप से 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में ऐप है, इसको क्लिक करना पड़ेगा, फिर 2 में जाना पड़ेगा, F2 में रिसेक्शन है, इसको रिसेक्शन जाना पड़ेगा, उसके बाद F4 दबाना पड़ेगा, उसके बाद ओके करना पड़ेगा, उसके बाद लिस्ट में जाना पड़ेगा, लिस्ट में जाके कौन सा पॉइंट को वो पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी C7A के इसमें सेव है, इसको व्यू करता हूँ, और ये कोऑर्डिनेट है, ये ईस्टिंग नॉर्थिंग और RL, इसको ओके कर दिया। फिर ओके करने के बाद में इसको टारगेट करना पड़ेगा, टारगेट करता हूँ, उसका बाद में फर्स्ट पॉइंट ये नेक्स्ट पॉइंट जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट जाएगा, मेनू में जाके हिस्ट्री बताता हूँ, एस्केप करके यहाँ देखिए यहाँ मिसिंग लाइन है, रिसेक्शन है, एरिया वॉल्यूम है, और 4 नंबर में रिमोट हाइट है, रोड स्टेक आउट है, रेफरेंस लाइन है, ये सब काम ही होगा। उसके बाद में फिर एस्केप मार के उधर में F2 में सेट आउट है, सेट आउट में कोऑर्डिनेट लोकेशन पता करता है, सेट आउट में F2 सेट आउट है, तो सेट आउट में F2 जाने के बाद में F4 दबाना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी कोऑर्डिनेट दोगा उधर में ओके करके वो एंगल को, ये एंगल को 0 बांध के उसको, एंगल को 0 बांध के उसको कोऑर्डिनेट को वो मार सकता है। उसका बाद में उसका बाद में डाटा कलेक्ट कर सकता है, F1 में डाटा कलेक्ट हो जाएगा, F4 में वो डाटा मैनेज भी कर सकता है, आपको जो ज़रूरत नहीं है उसको डिलीट भी कर सकता है। इधर देखिए F4 में दबा के उसका बाद में जॉब में जाना पड़ेगा, उसका बाद इधर डिलीट है, न्यू है, ओके है, उसको नहीं चाहे तो डिलीट कर सकता है, फिर न्यू कर सकता है, यही से मशीन को सेट करके आप यूज भी कर सकता है। पहले मेनू में जाके डाटा कलेक्ट भी होगा, सेट आउट का भी होगा, F3 ऐप का जो है इसमें मशीन सेट हो सकता है,
मशीन को रिसेशन करके हो सकता है, और एक है ओरिएंटेशन, सेट ओरिएंटेशन उसमें भी होगा, और नीचे पॉइंट से सेट करना पड़ेगा इसमें, और है सेट आउट डाट सेटिंग है उसको बोलता है सेटिंग, F1 में सेटिंग जाना पड़ता है, उसमें जनरल है, EDM है, सिस्टम इन्फो है, वो उसके बाद में F2 सेट आउट है, F3 ऐप्स है, ऐप्स में जाएगा तो F3 जाना पड़ेगा, जिसमें मशीन लाइन रिसेक्शन, एरिया वॉल्यूम, रिमोट एलिवेशन और रोड स्टेक आउट, रेफरेंस लाइन, यही सब काम होगा। ओके, एस्केप करके फिर चार्ट में जाएगा तो डाटा मैनेजर